नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वो समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर ट्विटर पर अपनी बातें रखते हैं। और वहीं पीएम मोदी की ट्विटर अकाउंट हैकर्स की पहुंच से दूर नहीं है और शनिवार देर रात हैकर्स ने पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट में सेंध लगा दी है। और दरअसल हैकर्स ने पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट को निशाना बनाते हुए उसे हैक कर लिया और कुछ ट्वीट भी किए गए जिसमें बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दिए जाने की बात कही गई है। और प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट 12 दिसंबर की सुबह 2 बजे के करीब हैक किया गया और हालांकि हैक होने के बाद किया गया पहला ट्वीट चंद मिनट बाद ही उसे डिलीट भी कर दिया गया और एक बार फिर उसी ट्वीट को दोबारा किया गया और वहीं इस ट्वीट को भी हटा लिया गया। और वहीं पीएमओ की ओर से आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी भी दी गई है कि पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया है। पीएम मोदी की ओर से किए गए ट्वीट में जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ की गई और मामले की जानकारी ट्विटर को दे दी गई है। वहीं अकाउंट को तुरंत सुरक्षित कर भी लिया गया और इसके साथ ही कहा गया है कि हैक किए जाने के दौरान ट्विटर अकाउंट से शेयर किए गए किसी भी ट्वीट को अनदेखा किया जाना चाहिए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ये वेरिएंट 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और इस आकलन का असर भी दिख रहा है। और देश में अब तक इस वेरिएंट के 32 केस आ चुके हैं और अकेले महाराष्ट्र में 17 मामले सामने आए और महाराष्ट्र एक बार फिर डरा हुआ है और ये डर यूपी तक भी पहुंच रहा है क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है। और धारावी में तंजानिया से आया एक शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ है और मुंबई में 3 नए केस भी मिले हैं जिसमें एक 3.5 साल की बच्ची भी शामिल है। और महाराष्ट्र में कुल 7 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब ओमिक्रॉन के कुल 32 मरीज हो गए और ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुलूस, रैली और सभी मोर्चे पर रोक लगा दी। लेकिन सवाल है कि अगर मुंबई में रैली पर रोक रहेगी तो क्या उत्तर प्रदेश का, और क्या जहां चुनावी माहौल गर्मा रहा है और रैलियों की संख्या में उसमें आने वाली भीड़ बढ़ती जा रही। यूपी में भले ही चुनाव माहौल है लेकिन दूसरे राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल तीसरी लहर को लेकर लोगों को चेताए हैं। और वीके पॉल ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के वैश्विक स्वरूप को लेकर चेतावनी दी है और ऐसे में भारत में फेस मास्क का घटता उपयोग को चिंता का कारण भी बताया। और देश में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में बयान भी दिया कि वैक्सीन के बूस्टर डोज पर विचार किया जा रहा है।